अरे जब देश में बार बार चुनाव हो सकते हैं तो एक छोटा सा एग्जाम भारत सरकार या एनटीए क्यों नहीं करवा सकती है? क्यों नहीं करवा सकती है? अभी अगले 6 महीने में हरियाणा का, झारखंड का चुनाव आएगा, चुनाव आराम से करवा लेंगे। ये 24 लाख बच्चों के लिए आप दोबारा एग्जाम नहीं करवा सकते हैं। ये एग्जाम इसलिए नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि इनकी पूरी देश में बदनामी होगी। पेपर लीक हुआ है क्योंकि 4 मई को पेपर का वहाँ पे फोटो आया होगा, वो पेपर कोर्ट में अपलोड किया गया है लेकिन कोर्ट अभी तक उसका कुछ बताया नहीं है। है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर जो लीक हुआ है उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग जो रीनीट करवा के रहेंगे, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मगर रीनीट होना चाहिए। एकदम पॉसिबल नहीं लगता है। आज तक हिस्ट्री में 1 से 2 बच्चा मैक्सिमम 720 में 720 लाया है। अचानक से क्या भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए और बच्चों को पेपर दे दिया क्या 720 लाने के लिए? तो ये पूरा करप्शन है, ओपन एंड शट केस है। 4 मई को टेलीग्राम पे पेपर लीक हो चुका था। ये 2 या 3 बच्चे आ जाए ना तो वो एक सेंसेशन बन जाता है पूरे इंडिया में कि 2 से 3 बच्चे 720 ले आए। मगर अगर आप कह रहे हैं 67 स्टूडेंट्स 720 में 720 ले आ रहे हैं और उससे क्वालिफिकेशन अब ये दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है उसको ग्रेस दिया गया, बोनस दिया गया, उसके वजह से 67 स्टूडेंट्स 720 में 720 ले आ रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप कहिएगा पेपर बहुत इजी था तो पेपर इतना इजी नहीं था। जय हिंद दोस्तों, मैं शाहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महानगर कोलकाता के गांधी स्टेचू के सामने, जहाँ कुछ छात्र नीट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से नीट के एग्जाम में पेपर लीक्स के मामले सामने आए हैं और धांधली के मामले सामने आए हैं, उसके बाद लगातार पूरे देश भर में विपक्षी दल और राहुल गांधी नीट को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, एनटीए से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स की जिंदगी के साथ, उनके करियर के साथ खेला जा रहा है। जिस तरह से नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि एक साजिश के तहत नीट का रिजल्ट 4 जून को निकाला गया। उस 4 जून को जहां पूरी देश की नज़र चुनाव के रिजल्ट पे थे, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर थे, लेकिन उसी दिन ही नीट के एग्जाम का रिजल्ट कहीं ना कहीं निकाल कर एक साजिश को पनपने का मौका दिया गया है। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, कई धांधलियों के मामले सामने आ गए। कोई कह रहा है कि हमारी जिंदगी के साथ, हमारे फ्यूचर के साथ, हमारे करियर के साथ ना खेला जाए। तो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नीट एस्पिरेंट जो है वो कोलकाता के गांधी स्टेचू के सामने प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ देर में ये रैली भी करेंगे और सरकार पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। जो एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार वो सड़कों पर इतनी गर्मी में कोलकाता के इस गांधी स्टैचू के सामने पिछले कई घंटों से बैठकर सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी के साथ ना खेला जाए, उनके करियर के साथ ना खेला। तो आइए हम कुछ स्टूडेंट्स से, कुछ एस्पिरेंट्स से हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है। इससे सीधा मांग एनटीए से यही है कि रीनीट करवाया जाए, पेपर लीक जो हुआ उसको एक्सेप्ट करे, पेपर लीक जो हुआ है वो उसको एक्सेप्ट करे और इतने जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं पूरे इंडिया में उसको रोका जाए। और इसका एक ही ऑप्शन है, रीनीट। इसमें जो बड़े लोगों को पैसे लेकर सीट दिया गया है, इसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करें एनटीए और रीनीट करवाए, बस हमारी यही मांग है। अरे जब देश में बार बार चुनाव हो सकते हैं तो एक छोटा सा एग्जाम भारत सरकार या एनटीए क्यों नहीं करवा सकती है? क्यों नहीं करवा सकती है? अभी अगले 6 महीने में हरियाणा का, झारखंड का चुनाव आएगा, चुनाव आराम से करवा लेंगे। ये 24 लाख बच्चों के लिए आप दोबारा एग्जाम नहीं करवा सकते हैं। ये एग्जाम इसलिए नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि इनकी पूरी देश में बदनामी होगी। एनटीए ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है। ये बच्चे वोट बैंक नहीं है, उनको पता है कि ये बच्चे सड़क पे नहीं आएंगे, आ जाए तो कल नहीं आएंगे, तो इसलिए अपनी मनमर्जी चलाते जा रहे हैं। आप पूरा हमारे पास पूरा एविडेंस है कि आपने 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क किस बेसिस पे दिया? आपके नोटिफिकेशन में जब मेंशन नहीं था तो आपने कैसे कर दिया, किससे पूछे किया? कोलकाता हाईकोर्ट ने इसीलिए इस पे स्टे ऑर्डर लगाया है, सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल फाइल हो चुकी है और एनटीए सिर्फ अपना
चेहरा बचाने के लिए ये डीले कर रहा है ताकि ये बच्चों का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि मैं इस गुस्से को शांत नहीं होने दूंगा और एनटीए को रोड एनटीए को इन बच्चों के लिए रीनेट करवाना पड़ेगा। 67 स्टूडेंट्स का जो है 67 एस्पिरेंट्स के 720 में 720 आए, क्या ये पॉसिबल लगता है? एकदम पॉसिबल नहीं लगता है। आज तक हिस्ट्री में 1 से 2 बच्चा मैक्सिमम 720 में 720 लाया है। अचानक से क्या भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए और बच्चों को पेपर दे दिया क्या 720 लाने के लिए? तो ये पूरा करप्शन है, ओपन एंड शट केस है। 4 मई को टेलीग्राम पे पेपर लीक हो चुका था और जब पेपर लीक हो चुका था तो एनटीए को उसी दिन पेपर कैंसिल करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पेपर कैंसिल नहीं करवाया। आप देखिए, ये बात होती है कि इस देश में क्रांति के लिए शिक्षकों को रोड पे आना पड़ेगा, स्टूडेंट के साथ रहना पड़ेगा। ये इनोसेंट बच्चे हैं, जब तक एक टीचर इनके पीछे खड़ा नहीं होगा तब तक इनका हिम्मत नहीं बढ़ेगा और ये एनटीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है इन बच्चों का शोषण करते रहेंगे। मांग ये है कि चाहे रीनीट कराए या फिर ग्रेड मार्क्स जो दिया गया है ग्रेड मार्क्स को सही करके उसको फिर से अपलोड करें पेपर, कि या फिर ग्रेड मार्क्स कैसे दिया है, कितना दिया है, कितना परसेंट किसको क्या करके दिया है, ये कोई बात नहीं हुआ कि सीसीटीवी में देखा है। और सीसीटीवी में देखा भी है तो ये 15-20 दिन में कैसे वो इतना सीसीटीवी देख लिया है जितना सेंटर में मांग हुआ है, और 20-25 मिनट तो सब सेंटर में लेट हुआ है, तो सब सेंटर में उसको मार्क्स बढ़ाना चाहिए, ये कोई बात हुआ नहीं है उसका। जी कभी पॉसिबल नहीं, मैं तो खुद कितने स्टूडेंट बोल रहा है कि मेरा 650 था, 640 था, मेरा 720 आ गया, कैसे आई है पता नहीं। वो लोग शो ऑफ नहीं कर रहे, वो सामने अपने नहीं आगे बोल रहे, क्योंकि वो लोग 720 आया, वो लोग बोलेंगे वो लोग को और ऊपर से फोर्स किया जाएगा, ऊपर से कुछ ना कुछ फोर्स किया जाएगा, इतनी वजह तो वो लोग कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो लोग अपना टीचर को अपना और भी हायर भाई लोग को वो लोग बता रहे कि ये सब गलत है, मेरे साथ गलत हुआ ये वो, लेकिन एनटीए मानने तैयारी नहीं, एनटीए बोल रहा है कुछ स्कैम नहीं हुआ है, एनटीए को मानने के हिसाब से कॉन्फ्रेंस में बैठने से बोलता है कुछ स्कैम नहीं हुआ, जो हुआ है सही पेपर हुआ है, अभी बोलता है 4 से 5 सिटी में गलत किया गया है, मुंबई का नाम नहीं कहीं पे, लेकिन महाराष्ट्र में एक स्टूडेंट का 713 मार्क्स आया जो कभी पॉसिबल ही नहीं, वो कहाँ से आया, ये हम लोग को न्याय बतवाना होगा। और पेपर लीक जो हुआ में आपको लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है? क्योंकि 4 मई को पेपर का वहाँ पे फोटो आया हुआ है, वो पेपर कोर्ट में अपलोड किया गया है, लेकिन कोर्ट अभी तक उसका कुछ बताया नहीं है, कब बोला है तुरंत बता देंगे, आज तक 1 महीना हो गया आज तक कोर्ट भी कुछ नहीं बताया, कोर्ट भी कब बताएगा हम लोग को, बड़ा बड़ा टीचर है सबको देखे देखे 20-25 मिनट में लोग पेपर मैच कर देंगे, ये लोग का 1 महीना हो गया तक भी पेपर मैच नहीं कर पा रहा है, और पेपर लिखना है तो 13 या 14 आदमी को गिरफ्तार करके रखा है, टीचर को गिरफ्तार कर, स्टूडेंट को गिरफ्तार किया, कहाँ से गिरफ्तार किया, जेल में है, जब कुछ न्यूज नहीं है, जब कुछ उन लोगों का सबूत नहीं तो कैसे गिरफ्तार करके रखा। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जो ये लोग जो नाइंसाफी किए हैं हमारे साथ, ये लोग जो गलती कर रहे हैं, ये लोग जो स्कैम कर रहे हैं पैसे ले लेके कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले लोगों को, ये लोग जो पेपर बांट दे रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। आप सोचिए, कोई बच्चा अपनी जिंदगी का 4 से 5 साल इस एग्जाम पे दे रहा है, 4 ड्रॉप दे रहा है, 5 ड्रॉप दे रहा है, वो लोग 600-610 नंबर ला के कॉलेज नहीं मिल पा रहे, ये दशा हमारे कंट्री का, अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सोचिए कल हॉस्पिटल में आपको कौन चाहिए, वो लोग जो पढ़े लिख के अच्छे से मेरिट पास करके कॉलेज में एडमिशन लिए, एग्जैक्टली जो धांधली करके, आप देख लीजिए स्कैमस्टर चाहिए आपको या जनरल स्टूडेंट चाहिए आपको, अगर जनरल स्टूडेंट चाहिए तो रीनीट बहुत 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 जरूरी है, बिना रीनीट के ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर आप लोग कहीं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अदीब अहमद। अच्छा, कितने सालों से आप नीट अपीयर कर रहे? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, क्या तीसरा ड्रॉप था? ये पॉसिबल है कि 720 पे 720 आ जाना, वो भी 67? देखिए, 2 या 3 बच्चे आ जाए ना तो वो एक सेंसेशन बन जाता है पूरे इंडिया में कि 2 से 3 बच्चे 720 में 720 ले आए, मगर अगर आप कह रहे हैं 67 स्टूडेंट्स 720 में 720 ले आ रहे हैं और उससे क्वालिफिकेशन अब ये दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है उसको ग्रेस दिया गया, बोनस दिया गया, उसके वजह से 67 स्टूडेंट्स 720 में 720 ले आ रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप कहिएगा पेपर बहुत इजी था तो पेपर इतना इजी नहीं था, हम लोग पेपर दे रहे हैं, जितने कोचिंग वाले हैं, फिजिक्स वाला, मोशन, एलन, आकाश, सबने प्रेडिक्ट किया था कट ऑफ 5 मार्क्स से ज्यादा ऊपर जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये जो 50 मार्क्स से ज्यादा कट ऑफ चला गया है, ये बिल्कुल प्रूफ कर रहा है कि पेपर लीक हुआ है, ये जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ये जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये सब स्कैम है, ये सब किया गया है क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे देके। आप बताइए मुझे,
एक बच्चा बिहार का है, वो 1000 किलोमीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस, जा रहा है गोधरा के सेंटर पे एग्जाम दे रहा है। गुजरात क्यों जाएगा कोई बिहार का बच्चा एग्जाम देने के लिए? क्या ये दर्शाता नहीं है कि स्कैम हुआ है? क्या ये दर्शाता नहीं है कि पेपर लीक हुआ है? क्या ये नहीं दर्शाता है कि सेंटर में सेटिंग की गई है? ये जो लोग कह रहे हैं, ये जो लोग कह रहे हैं कि पेपर सेट नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आप बताइए पटना में 4 मई को FIR 13 बच्चे के खिलाफ क्यों की गई थी? 13 बच्चे क्यों अरेस्ट हुए थे? अगर आप कहिएगा कि पटना पेपर लीक नहीं हुआ है तो 358/24 मैं वापस कहूँगा 358/24 केस नंबर वो रजिस्टर हुआ है पटना पुलिस स्टेशन में, उसमें FIR भी दर्ज हुआ है 13 बच्चे। अब आप बोलिएगा अगले दिन हायर ऑफिशियल ने कहा कि पेपर को मिलाया जाएगा, पेपर मिलाने के बाद फिर कहा जाएगा। अरे भाई 20 मिनट लगता है पेपर मिलाने में, आप लोग 1 महीने लगा रहे हैं टाइम कि पेपर ही मिला रहे हैं अभी तक। तो ये सब जो है ये सीधा दर्शाता है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर जो लीक हुआ है उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग तो रीनीट करवा के रहेंगे, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मगर रीनीट होना चाहिए।